अब प्रभान तो जी मैंने शोहर वगैरह ले लिया, बाल भी ट्राई कर दिए, अब जो हम रेडी होंगे फाइनली। तो अभी हो गया हमारी ईद शुरू एंड यहाँ पर रोशनी बड़ी अच्छी आ रही है, ये देखिए जी। तो अभी मैं सच रेडी होके फिर आप लोग को जो फाइनल लुक दिखाते हैं, फिर शुरू करते हैं हमारे आज का ब्लॉग। जी जाम ना आ रही है खुजाते हुए क्यों हम सेटिंग कर रहे हैं। आमना के लिए मेकअप ट्यूटोरियल सिखाऊं, मैंने बोला तुम्हें आता है पहले ये बताओ। मम्मा मुझे नहीं आता। आता है तुम्हें? शादियों पे मैं ही करती हूं। हां यार पता नहीं क्या मैंने गिरा दिया। वी आर गेटिंग रेडी क्योंकि आमना मेरा शूट करेगी, मैं आमना का करूंगी। यहां पे फोटोग्राफर नहीं मिला हमें कोई भी। गाइज अभी हम हो रहे हैं रेडी फटाफट से, भी मेरे बाल गुजरे थोड़े लग रहे हैं क्योंकि अभी मैंने वॉश किए थे, देन ड्राई, बाद में करूँगी इसको कर। पीछे से ये सारे हो रहे रेडी, इसके बाद ये प्राइमर क्योंकि मैं स्किन थोड़ा प्रेप कर चुकी थी, इसलिए मैंने फिर पहले फिक्सर लगाया देन प्राइमर लगा दी ताकि मेकअप जो है मेरा अच्छे से सेट हो जाए। गाइस आई एम ऑन रिकॉर्डिंग। हमने मेरे हाथ कितने प्यारे आ रहे हैं। यस गाइस मेरी मेहंदी देखे कितनी अच्छी लगी है। हाँ भाई मेरे मेहंदी का कलर बहुत अच्छा आया है, बहुत स्किन बहुत प्यारी लग रही है, बीजन की आवाज़ आ रही है। ऑल क्रेडिट गोज टू भाभी, भाभी ने लगाई। गाइस अभी जो है ये लेंस मुझे अच्छे नहीं लग रहे, मैं सोच रही थोड़ा स्विच कर दूँ। ये ब्लू वाले पहनूँ, ये वाले अच्छे, ये वाले सोच रही पहन लो अभी। और एक आमना ने पहने वो नहीं यार, मुझे वहम हो रहा है मेरी आँखें छोटी हो गई हैं, पहले से मैं ची चाचू फिर मैं हो गई हूँ तू। बड़ी मनोज आ रही हो इस फोटो। अगर आपको लोगों को पतला मुंह चाहिए, पतला सोना सा, तो फिर दूसरा जन्म अगर आप पड़ेगा आपको दूसरा जन्म नहीं इसी जन्म में। अगर आप लोग का फेस चबी है तो आप यूँ इस तरह से करेंगे यहाँ तक कर, तो अगर आप लोगों को नॉर्मल फेस है तो आप यूँ सीधा करेंगे इस तरह से, ये स्टेप से, ठीक है। मेरा थोड़ा है तो मैं चबी चबी आई डू लाइक दिस। अभी मैं आप लोगों को फर्क दिखाती हूँ, ये देखें फुल जो है ना अपना फेस पतला चाहिए। गाइस आप लोग को यही वीडियो में आगे पीछे करके भी आप लोग फर्क देख सकते हैं। अब हम इसे करेंगे नॉर्मल वाले कलर में, लाइट ब्राउन कलर में ब्लेंड, क्योंकि मैं ब्रॉन्ज कर रही हूँ, ठीक है, कंटूर नहीं कर रही हूँ। कंटूर में कभी आप लोग को ना फुर्सत में सिखाऊंगी। वो फुर्सत कब आएगी? वो फुर्सत इंशाल्लाह सून सून सून। सिर्फ बोलती हो, सिखाती नहीं। नहीं अब से मैं आप लोग को सिखाऊंगी गाइस। आना तुम सीखोगी क्या? उनको सिखाऊंगा, सिखाऊंगी सिखाऊंगी। आपकी बहन हो गई पतली 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 पतली। अब मैं लगाती हूँ ब्लश एंड ब्लश में लगाऊंगी वन ऑफ माय मोस्ट फेवरेट। यार ये पाकिस्तान में डिलीवर नहीं करे, जो लोग दुबई में मुझे बताएं मैं उनसे ये दूसरा मंगाऊंगी, क्योंकि ये मेरा हो चुका है ख़त्म ख़त्म। इतना भी नहीं फिर भी ये देखो मैंने इतना यूज़ कर दिया, जस्ट लव्ड इट। इस तरह से सिमाइल करके आई लाइक इट, यू वाला सिमाइल यही चीजें आती है हमें। गाइस मुझे ना यहाँ पे ब्लश बहुत अच्छा लगता है एकदम से। गाइस तो आपको बताना पड़ा चाहिए था कि इसमें ना ब्लैक शेडो लगाए। गाइस मुझे नहीं पता था कि इसमें ब्लैक लगा हुआ है, तुम लोगों ने ही लगाया होगा, ये मैं बस कुछ चंद चुने चुने से लाई थी। यार मुझे ये मेहंदी वाले हाथ बड़े प्यारे लग रहे हैं, बिंदी लगाओगी तुम? फिर इंडियन ड्रेस भी तो लेती। अब इसमें मैं थोड़ा सा ग्लो इट कर रही हूँ ये वाला। टाइप्स ऑफ पीपल इन ईद। हालांकि तुम रेडी थी, तुम भी तो चलोगी भाई। ये देखिए नाजुकपन आ गया ना यहाँ से ना, बड़ा नाजुकपन सा, नाजुक कली कली वाला फीलिंग आता है। यार व्हाट इज दिस बिहेवियर सभी ने, फिर मेरी गाइस बड़ी अच्छी लगी आज, देखा ये देखो मेरी देखो। ऑल क्रेडिट गोज टू भाभी। गाइज अब हम आई शेडो लाए हैं ये वाली, मैं ये वाली लेकर आई हूँ वहाँ से,
ताकि ऑल इन वन चल जाए। अब क्या अलग अलग चीज़ें लाती हूँ इसीलिए। तो गाइस ये देखिए मैं हो चुकी हूँ रेडी और ये है मेरी फुल आउटफिट डिटेल। सभी में बैठी हुई थी इस वजह से। और इसका ये रहा ये है दुपट्टा। तो अभी चलते हैं बाहर, जल्दी से शूट करके आते हैं थोड़ी बहुत रोशनी इससे पहले कि अंधेरा हो जाए। आमना ऑलरेडी गई है और मैं लेट, फटाफट से चलते हैं। और ये देखिए ये है इसका नेक कुछ इस तरह से, बहुत प्यारा बहुत हसीन। एंड स्लीव्स कैसे दिखाऊँ, ये रही इसकी स्लीव्स इस तरह से। एंड बिना का भी ऐसे ही ड्रेस है, मेरा भी ऐसा ही है, पर सबीना ने जो है आज नहीं पहना, तो जब वो पहनेंगी फिर इसके साथ भी पहन लूँगी। अभी जो है मैंने पहन लिया है। बाल जो है मैं पीछे से भी कट करने वाली थी पर टाइम नहीं मिला, इसीलिए बस मैंने आगे से यूँ किए और पीछे से स्ट्रेट ही छोड़े। देखें गाइस और ये देखें हमारी यहाँ पे फोटोशूट हो रही है। ये हमारी ईदी, ये इनकी ईदी। ईदी मतलब ईदी, ईदी मैं कैसे मनाऊँ ईदे। छोड़ो इसको, हमने बस टाइम नहीं है। ओके तो गाइस अभी हो रही थी, हमने बस करो, मेरा दिल भर चुका है। मच्छर चेक करो कितने मच्छर घूम रहे हैं यार, बस मेरा हो चुका है शूट। हाँ मच्छर ईद मना रहे हैं यहाँ पे, पता नहीं कितना अच्छा नहीं आ रहा। शायद हमें आदत हो गई ना फोटोग्राफर्स वगैरह की, तो इसीलिए उतना अच्छे नहीं मुझे यहाँ, मुझे पसंद नहीं आ रहे। क्यों कहाँ जा रही है तुम ना, छोड़ो अब रात हो गई गाड़ी वाली। हाँ ऐसे वीडियो बनाऊँ, देखो बनाती हूँ यार। अभी मैंने कुछ नहीं खाया सुबह से, जस्ट मैंने जो है चाय पी थी और वो जो टोस्ट खाया था मैंने व्लॉग में भी रिकॉर्ड किया था, बस सुबह से मैंने वही खाया। और कल जो मैंने इफ्तारी खाई थी वो, तो अभी मेरा बीपी लो रहा है, घर चल के कुछ खा के आती थोड़ा फ्रेश हो जाए उसके बाद जो है कहीं चलते हैं। क्या कह रही हो, हमने खा पी के फिर आते हैं। हाँ ऐसा करते, वैसे भी अभी रात हो गई है यार बेरिया में, मुझे लग रहा है अच्छी पिक्चर्स नहीं आ सकती। आ सकती तो आई है। हाँ यार इसकी बहुत अच्छी है, मुझे मेरी भी आई है पर पता नहीं कि मैं सेटिस्फाइड नहीं हो रही थी अपनी पिक्चर्स से। चलो भाई अब चप्पल पहनती हूँ, अंदर चलते हैं। और मुझे लग रहा है आज मैंने बाल भी अच्छे नहीं बनाए, बाल मेरे थोड़े से फट रहे हैं, थोड़े से अजीब हो रहे हैं। हो गया फोटो सेशन वीडियो सेशन। गाइस अभी मैं खाना वाना खाती हूँ, अभी सबीना और भाभी रेडी नहीं हुए, वो लोग रेडी होंगे तो मैं जब तक अपना कुछ खा पी लूँ और उसके बाद जो है बाकी का शूट। आज के शूट से मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ यार, मुझे ना प्री शूट ही करवा के आना चाहिए था, बस क्या करें भाई। तो गाइस मैं यहाँ पर इस तरह से घूम रही हूँ बन के तैयार, खाना शाना मैंने खा लिया, भाभी बना रही हैं चाय, भाभी वाले रेडी नहीं हुए क्योंकि भाभी सुबह ही रेडी होके शूट वगैरह करवा के आ गई थी। देखा फिर भाभी जी, हाँ जी आज आप रेडी क्यों नहीं हुई अभी? मैं सुबह कोई शूट वूट करा के आ गई थी, आप लोग बाद में उठे हो, देर से उठे हो, तो मैंने अपना ना सारा सब कुछ, हम बच्चों लोग को ऐसे ही करना पड़ता है यार। भाभी प्लीज मेरे व्लॉग के लिए भी हो जाओ ना यार। यार चलो हाँ यार, मेरे दोस्त चाहते हैं आपको, लोग चाहते हैं कि आपकी भाभी ना ऐसे बड़ी प्यारी लगती है, तो तैयार होती है अभी आ जाओ सबको दिखाओ ठीक है। यहाँ ये ड्रेस भी आपका प्यारा है, दिखाती हूँ भाभी का, भाभी बाद में ये ड्रेस दिखाना, ये देखिए गाइस। बस अगर टेंशन लगा लो तैयार हो जाए फिर कल जो प्रॉपर से दावत है हाँ फिर तैयार हो जाना। मैं तो भाई ये रात तक अपना ड्रेस नहीं हटाने वाली हूँ, मैं तो पहन के घूमूंगी सूंघूंगी जब तक रात के 2-3 ना हो जाए तब तक मैं चेंज नहीं करूँगी, मेरा दिल ना इस ड्रेस से भर जाए क्योंकि ये मैंने बड़ा प्यार से बनवाया था। और बाकी देखो क्या कर रहे हैं, और ये हमारी आमना यहाँ पर लगी हुई है 3 घंटे से टिकटॉक्स बनाने में। आमना बड़ी प्यारी लग रही है आज, थोड़ा इधर हो जाए तो मेरा फुल लुक तो दिखाऊं, दिखाया ही नहीं मैंने। गाइस ये देखें ये हमारी अमना का फुल लुक, हसीन तरीन जमील, मेरा भी दिखाना बाद में। अभी मैं आ जाऊँ या बाद में आऊँ? बाद में आना, अभी क्यों नहीं, थोड़ा यहाँ सबीना को बोलो या भाभी को बोलो मैं थोड़ा सा वीडियो बनाऊं। चलो गाइस ये वीडियो बना दी, आ चुकी है हमारी चाय, भाभी अभी चाय लाई है शाम के, आप पियेंगे चाय। मुझे मेरे हाथ बड़े अच्छे लग रहे हैं भाभी, मेहंदी कितनी अच्छी लगी है, कलर भी बहुत प्यारा हुआ है ना, मुझे भी बड़ा अच्छा लग रहा है। तो अब मैं पीऊँगी चाय और उसके बाद देखूँ फाइनल वीडियो एडिट करूँगी, वो पोस्ट करूँगी या फिर वो जो है पिक्चर वगैरह, क्योंकि अभी भी मैं पिक्चर से थोड़ा बहुत सेटिस्फाइड नहीं हूँ। अभी तक ये देखिए मेरे कॉल लगे, मैं नीचे वाले भी सोच रही थी करूँ पर सूरज चाचू जाग रहा था तो फटाफट से मैंने स्ट्रेट की ये वाले कॉल। मेरा आधा दिन गुजर चुका है, अब आधी अनाउंसमेंट, जो रेडी होगा उसको मिलेगी ईदी और जो रेडी नहीं होगा उसको नहीं मिलेगी, और ये आज के लिए ही मुद्दत है। कैसी लगी मेरी चलाकी?
कैसी लगी मेरी चलाकी? ये चाल है क्योंकि मैं रेडी नहीं हुई और सभी तुम्हारे साथ भी सभी ना भी रेडी नहीं है, वही तो कह रही हूँ ना। हाँ तो जाओ पाँच रात 12 बजे तक है, जो 12 बजे से पहले तैयार हो। कल तैयार होंगे क्योंकि हम नहीं मिलेगी फिर आएंगे सारे, तो फिर वो ईद का दूसरा दिन है ना, वो हमारी ईद होगी तो वो कल होगा, वो दूसरा ईद है, दूसरा दिन और आज की ईद ही है। मैं सुंदर लग रही हूँ उसका मतलब ये नहीं कुछ भी बोलोगी और हम मान लेंगे, कुछ भी बोलूंगी मानना पड़ेगा, सुंदर लग रही हूँ भाई मैं तो। ये मुद्दत सिर्फ आज के लिए, और मेरी बहन आमना भी रेडी है, और मैंने गाइस पिक्चर वगैरह ली पर मैं थोड़ा सा वो खुश नहीं हूँ अपनी पिक्चर के साथ, पर वह खैर ईद है तो ईद के साथ मैं हैप्पी हूँ। और ये सभी ने यहाँ पर बैठी आमना और रचना रेडी नहीं, आमना रेडी है तो आमना को ईदी मिलेगी और मुझे मैं खुद को ईदी मिलेगी, बाकी किसी को यहाँ पे ईदी नहीं मिलेगी। ओके आमना जी आज आप बड़ी प्यारी लग रही हैं, आपकी मेहंदी का कलर भी अच्छा है, क्या करें अपनी पिक्चर्स एडिट अब पता चला तुम्हें कितनी मेहनत का काम है। बहुत गाइस मैंने भी जो है ना अपनी वो एडिट नहीं की पिक्चर्स वीडियोस, वो भी मुझे एडिट करनी है, पोस्ट करनी है इंस्टाग्राम पे, जब तक ये ब्लॉग मैं पोस्ट करूँगी कर चुकी होंगी, जाके देखिएगा, लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा। और बाकी यहाँ पे मैं आपको दिखा दूँगी मेरी ईद की पिक्चर, हमारी फैमिली पिक्चर नहीं क्योंकि ये लोग तैयार ही नहीं हुए, अकेली मैं तैयार हुई हूँ इसीलिए। अब मैं खूबसूरत आ रहा है यहाँ से देख, मैं यहाँ से खूबसूरत आ रहा है। तो गाइस बाकी फाइनल दिन का काम रहता है कि इनकी ईदी बॉक्स बनाना, आई मीन ईदियाँ इनकी सेट करना, ये मैंने सोचा मैं लाई थी वहाँ से, मतलब इतने प्यारे प्यारे किसी पेज ने मुझे भेजी थी, मैं आपको बताऊँगी कौन से पेज के लिए थे। तो ठीक है जी, तो बाकी इनमें सेट करके रखती हूँ, ये तो रेडी नहीं हुई, बस एक आमना को दूंगी, मैंने इनको बोला था जो रेडी होगा उसको ईदी मिलेगी, बाकी अदरवाइज सब किसी को नहीं मिलेगी। तो गाइस ये अभी जो है मैं अपने एनवेलप में डालूंगी, इतने पैसे नहीं डालूंगी, ये जस्ट मैंने यहाँ पे रखे हैं, ये मैं करवा के आई थी, तुम्हें क्या कहते हैं गट्ठी, हाँ गट्ठी, इस तरह से गट्ठी मुझे ला के देती है, ये भी करवाई थी मैंने 100 की करवाई थी वो नहीं मिली, बाकी ये इतने न्यू नहीं है, ये थोड़े थोड़े ये वाले हैं। अब ईदी पे करते हैं, अब पहले मैं सबकी ईदी पे करूँ, इससे पहले आप मुझे ईदी दो। थैंक यू लाल लाल नोट अम्मी, अब आप असल वाली ईदी दो। अभी मेरी ईदी मुझे दे रही है, कभी मैं सोच रही थी चेंज करने जाऊँ, उससे पहले मैं अपना दिन ख़त्म करूं, सबकी ईदी पैक करूं एंड देन जो है मैं अपना दिन पूरा करती हूं। ब्लॉग बिटवी को ना फायदा हल्की क्या है, सारे बिल अपने खुद देना, मैं नहीं 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 बिल तो तुम ही दोगी, मैं भी टिल्लू मरूं, तुम दोगी, तुम पैसा ही पैसा होगा, ये पैसा मेरा है तुम्हारा ही है। चलो भाई रचना नीला नोट दूँ या ग्रीन नोट दो दूँ, जो भी है सारे दो रचना। ओ रचना जी ये से 100 वाली है, जब मेरी ये से 10 लाख वाली होगी ना तो मैं तुम्हें 10 लाख भी दूंगी। ओके आमीन। सुनो एक में मैंने डाला है 1000, ठीक है ये गेम है, एक में डाल रही हूँ 1500, अम्मी लिखेंगे पे बाद में नेम्स, पहले ये गेम वाले मेरी बहनों के लिए, ठीक है 1500। अब दूसरे में डाल रही हूँ 2000, जिसको जो आया सही है, दूसरे में 2000, तीसरे में ये सारे नोट, हम ये दो, अब ये देखो इसमें 2000, ठीक है। अरे मैं तो भूल गई मेरी 3 बहनें हैं, चौथी तो मैं हूँ नॉनसेंस मैं भूल गई बुलक्कड़ सारे नोट, चौथी नंबर वाली तो मैं हूँ, कोई नहीं उसमें मिनसा की डाल दो, नहीं रुको सारे नोट जितने भी हैं ये मैं ले रही, अब देखते हैं किसका लग ज्यादा अच्छा, किसी को बताना नहीं, ओके okay? टच भी नहीं करने दूंगी ये 3 लिफाफे। अब ये वाली ईदी मेरी दूसरे लोगों के लिए, रचना पर किसी को बताना नहीं, सही है लेकिन मैंने नोटिस कर लिया, मैं वो अपने हाथ में रख के दूंगी, मैं भूल गई थी मुझे लगा मेरी 4 बहनें हैं, चौथी तो मैं हूँ, मुझे अबू से ईदी मिली मैं तुम लोगों को ईदी दूंगी, इसमें मैं सिर्फ 4 नोट डाल रही हूँ। चलो भाई हो गई ईदियाँ रेडी, ये मेरे पैसे बच गए, ये मुझे बड़े
अच्छे लगते हैं। थैंक यू आंटी, ये जो है अम्मी की दोस्त हैं वो हमेशा मुझे ये इसे कड़क कड़कनट करवा के भेजती हैं। बाकी आंटी 500 के और 100 के भी करवा के दीजिएगा। चलो भाई डन हो गए। अब ये बहनें मेरी जब उठती हैं तो उनके साथ खेलते हैं गेम। चलो भाई, तो चलो गाइस मैंने सारे पे कर दिए, ये अपने पैसे मैं वापस रखती हूँ। और ये वाले भी अभी आमना वाले सो रहे हैं, अगर जाग रहे हैं तो उनके साथ गेम खेलते हैं, नहीं तो ये गेम जो है मैं कल पूरी करूँगी अपनी। ये वाली ईडी वाली गेम्स जो है हम कल खेलेंगे, आज नहीं। क्योंकि सारी सो रही है, इसी रचना को बुखार था, रचना इसलिए तैयार नहीं। हाँ बेचारी बीमार है रचना। आप क्या कह रही हो यहाँ? और ये लोग जा रही हैं अभी कुछ देखने खाने पीने के लिए। और रचना आप क्या कह रही थी, लोगों को लगेगा कि मेरा ईद आउटफिट है और ईद दुपट्टे और गेंद दुपट्टा नहीं उठाऊं। हाँ वो वाली वीडियो बनाओ ना। कौन सी वाली? जो दिखाई मैंने अभी, और गेंदा दुपट्टा। और खूबसूरत लग रही हो तो इसीलिए नाटक ही, काला काला ब्लैक ब्लैक मैंने लगाया इस वजह से तुम खूबसूरत लग रही हो। हाँ मैं तो हूँ ही नहीं खूबसूरत, बस इसकी वजह से लग रही हो। इसकी वजह से लग रही हो, बिना मेकअप के। गाइस आप लोगों ने आमना को देखा है ना, सच बताओ। भाभी ने मेहंदी प्यारी लगाई है, ड्रेस प्यारा है, इसीलिए बताओ रचना। सच्ची होता है, सच्ची 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 सच्ची। कोई नहीं बनाई, सिर्फ इधर से आए थे। चलो मुझे सिर्फ इधर से टच किया। प्यारे सबसे बड़ी बात है लेंस से। हाँ बॉडी में सुंदर नहीं बस। चलो दो मेरी मोबाइल नंबर, जा रहे हैं। ओके जाओ और मेरे लिए रिकॉर्ड करके आना। ओके अल्लाह नहीं करेंगे कुछ जी, मेरे लिए गाइस रिकॉर्ड करके आएंगे। मैं आप लोग को बता, मैनेजर क्योंकि मुझे चक्कर आ रहे हैं। मैं जो है ना 10 बजे सोई थी और फिर 1 बजे से उठी हुई हूँ, 1 या 2 बजे से उठी हुई हूँ, इसलिए मुझे अभी चक्कर आ रहे हैं। तो मेरे लिए जाके रिकॉर्ड करके आना। ओके मैंने जो है मेकअप वगैरह रिमूव कर दिया, थोड़ी स्किन केयर की और अब मैं आके सुकून से बैठी हूँ। अभी जो है मुझे क्रेविंग हो रही है, या तो मैं सोच रही हूँ कि चाय पीऊँ या तो फिर अपने डोनट्स खाऊँ। सोचो सबीना अभी मैं खाऊंगी और जितने खाने मैं अभी खाऊंगी। ईद के बाद जो आएगा ना तो फिर जिम ज्वाइन करूंगी और मैं पक्का डाइट करूंगी, पक्का अच्छी वाली डाइट करूंगी और जिम ज्वाइन करूंगी और जो है मैं पतली होके दिखाऊंगी, कंटूर्स नहीं रियल वाली पतली। जो है कजिन्स कल आने वाली हैं और कल सबकी दावत है यहाँ पर। कल वाला व्लॉग भी इंशाल्लाह बहुत अच्छा बनेगा, वो भी आप लोगों ने देखना है। और ये मैं जोश की क्रीम आज कल लगा रही हूँ, मॉइस्चराइजर बहुत अच्छी है, सामने पड़ी थी इसलिए सोचा दिखा दूँ। चलो भाई रखो, मैं यार भूल जाती हूँ, मुझे लगता है मैं चार नहीं, हम टोटल 4 बहनें, मेरी 3 बहनें हैं। तो गाइस मुझे इसकी क्रेविंग, अभी ये खाएंगी, चाय का सोचेंगे बाद में। हाँ मैं भी यही सोच रही हूँ यार, आज आप तैयार क्यों नहीं? आपका ईदी कैंसिल है, आपको नहीं मिलेगा, बस आप सिर्फ गेम खेल सकती हो। हाँ वैसे ये वाली गेम खेल सकते हो, बाकी आपकी ईदी नहीं है। डिसाइडेड जो आज रेडी हुआ उसको ईदी मिलेगी, वरना ईदी नहीं मिलेगी। माड़ा बहुत यमी है गाइस। आमना बहन, आमना बहन आपको खाना हो आज खा लो, कल नहीं बचेंगे। सबीना बहन आपको भी खाना हो आप खा लो। ये यहाँ पे खाते हुए वैसे इसको चक्कर आ रहे थे, सो रही थी, खाना पीना आया तो उठ गई मैडम। चलो भाई लाओ हमारी चीज़ वापस लाओ, पूरा पैकेट दो ना, हम पूरा सिलेक्ट करके खाएगा। तो खाऊंगी ना माले, तुम तो माले। ये तो सारे हम खा गए, वही तो ये सारे हम खा गए। मैं एक अलग से मेहमानों के लिए रख देता ना रे बाबा। हम सारे यहाँ पे बैठे हैं, अभी हम सारे यहाँ पे बैठे खाने पीने में मसरूफ। और वैसे मुझे चक्कर आ रहे थे जब मैं तैयार थी, और अब जब मेकअप वेकअप रिमूव किया तब मैं फ्रेश हो गई हूँ भाई, खा पी के। पता होता शुगर लो हो रहा है तो पहले खा लेती मैं। तो गाइस बस ये था आज का व्लॉग, यहीं तक का। और अभी हो रहे रात के 2:30, तो अभी मैं बहुत थक चुकी हूँ। व्लॉग वगैरह एडिट कर दिया तो वो सोच सुबह उठते ही पोस्ट करूँगी, और वीडियो एडिट की पिक्चर्स बड़ा काम था इसीलिए। तो अभी मैं जा रही हूँ सोने। हाँ अभी मेरा सच में चक्कर आ रहा है, मुझे बहुत सर दर्द हो रहा है। फिर मिलते हैं इंशाल्लाह कल, और कल का होप सो बहुत अच्छा व्लॉग होने वाला है। तब तक के लिए अगर आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, और लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलिएगा। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।